हे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं V4 वीडियो। सो रिसेंटली मैंने एक अमेजोन से प्रोडक्ट मंगाया था जो कि मुझे बहुत ही बेहतरीन और कमाल का लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आप सभी को दिखाया जाए। तो मैंने अमेजोन से मंगाया था ये एक A4 साइज़ का मैग्नीफायर, आप लोग इसे एक A4 साइज़ का लेंस भी बोल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि इसे हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे कौन कौन से काम आ सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर जो कुछ भी बताऊँगा वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर होगा, इसलिए इसे लेने से पहले आप लोग एक बार ध्यान से जरूर सोचिएगा। तो ये देखिए, ये A4 साइज का ही होता है। तो जो सबसे पहला यूज जो है इसका, जो कि अमेजोन में खुद से लिखा था, ये काम आता है किसी चीज को बड़ा करके पढ़ने में। जी हाँ, अगर आपको कुछ पढ़ना है और वो बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है तो आप लोग इसकी मदद से पढ़ सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको जरूरत ना हो, लेकिन आपके घर में किसी सदस्य को ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे इस लेंस के जरिए जो कुछ भी देख रहे हैं ये उससे भी बड़ा दिखता है हमारी आंखों को। तो आप लोग इस वीडियो के जरिए इसके काम ही जान सकते हैं और ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये अच्छा है या बुरा, क्योंकि जब तक हम लोग इसे अपनी आंखों से खुद से यूज़ करके नहीं देखेंगे हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि ये हमारे यूज़ का है या फिर नहीं है। तो इसका पहला यूज़ हो गया इसकी मदद से अक्षरों को, शब्दों को बड़ा करके देखने में और पढ़ने में। और जो इसका दूसरा यूज़ मुझे समझ में आया वो है आग जलाने में। जी हाँ, जैसे कि हम लोग बचपन में लेंस की मदद से आग जलाते थे, माचिस जलाते थे, तो सेम इसी प्रकार से हम लोग इससे भी आग जला सकते हैं, लेकिन इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने प्लास्टिक का पेन रखा है और इस समय 2 या 3 बज रहे हैं और 2 या 3 बजे की धूप में हमारा प्लास्टिक का पेन सुलगने लगा। और सेम चीज़ को अगर आप लोग 12 बजे की धूप में करते तो आपके पेन में मात्र 3 या 4 सेकंड में होल हो जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 12 बजे का जो सूर्य होता है ना, वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, तो हमें इस लेंस की मदद से फोकस पॉइंट बनाने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होती है और आराम से एकदम नीचे बहुत ही खतरनाक वाला फोकस पॉइंट बन जाता है, जिसकी मदद से हम लोग कोई भी छोटी मोटी चीज़ आराम से पिघला सकते हैं, उसके आर पार छेद कर सकते हैं और भयंकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये देखो पेंसिल का क्या हाल हो रहा है, आपको पावर तो समझ में आ ही गई होगी। और जो इसका अगला यूज़ मुझे समझ में आया वो है फोटोग्राफी में। जी हाँ, मान लो आपको कुछ ऐसी फोटोग्राफी करनी है जिसमें खूब अंधेरा हो लेकिन किसी एक पॉइंट पर उजेला हो, तो आप लोग इस लेंस की मदद से कर सकते हैं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे मैंने केवल गणेश भगवान पर फोकस रखा है और बाकी सब जगह अंधेरा है, तो इसकी मदद से आप लोग बहुत ही अमेजिंग फोटोग्राफी भी कर सकते हैं रात के टाइम में। तो ये देखो कितना अमेजिंग लग रहा है। यहाँ पे मैंने केवल और केवल एक मोबाइल का फ्लैश जला के रखा है और ये देखो कितना ज़्यादा अच्छा लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है। और रात को तो हम लोग इस लेंस की मदद से अपनी किसी भी मोबाइल के फ्लैश की रोशनी को 150 या 150 फीट से भी ज़्यादा की दूरी तक का हम लोग एक बिंदु पर फोकस कर सकते हैं। और जो इसका अगला यूज़ जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया वो है मोबाइल स्क्रीन के सामने इसे लगा के मोबाइल पर वीडियो देखना। ऐसा आप लोग बिल्कुल अंधेरे में कर सकते हैं। ये देखो, जब भी हम लोग अंधेरे में मोबाइल स्क्रीन के सामने ये लगा के वीडियो देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग सिनेमा घर में बैठे हुए हैं। हालांकि आप लोग इस समय अपनी मोबाइल स्क्रीन पर बिल्कुल भी वैसा नहीं देख पा रहे हैं जैसा कि मेरी आँखें देख रही हैं। मेरी आँखों को ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सिनेमा घर में बैठा हुआ हूँ और सारे चित्र बिल्कुल मेरे आँख के करीब में बने हुए हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल 3D में ही वीडियो को देख रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि वीडियो मेरे आँखों के काफ़ी करीब में होता है। और जब मैं सेम चीज़ को लैपटॉप के साथ करता हूँ तब तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, एकदम सिनेमा हॉल जैसा ही लगता है। मुझे तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, किसी भी वीडियो को इसकी मदद से देखना। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग इसकी मदद से वीडियो को देखने वाले हैं तो इसे बहुत ही ज़्यादा केयर से रखिएगा, इसमें एक भी स्क्रैच मत आने दीजिएगा। अगर इसमें स्क्रैच आ जाएंगे तो आपको वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा। और एक बात और, मैं जो कुछ भी इस समय अपनी आंखों से देख रहा हूँ मैं आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कैमरे के ज़रिए दिखा रहा हूँ
और खुद मैं आंखों के जरिए देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ उसमें चित्र जो है ना मेरे आंखों के एकदम करीब बन के आ रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए भी ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ हो सकती है। मैं इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ पर जाके खरीद सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि बच्चे लोगों के साइंस प्रोजेक्ट में ये बहुत काम आ जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में देखा एक A4 साइज का मैग्नीफायर या फिर लेंस, जो कि मुझे तो खास तौर से काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी कोई अमेजिंग आइडिया है इसे यूज़ करने के लिए तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना।